Assalamu alaikum. So far we have covered chapter number 2. This way we talk about the biological method. कि हम लोग किस तरह से solving biological problem को solve करते हैं using biological method. So today we're going to be doing short answers of chapter number 2. Question number 1 is, theory is highly reliable scientific explanation. Why? Theory जो है बहुत ज़्यादा काबिले एतमाद explanation है. यानी कि अगर कोई हम कह देते हैं कि कोई चीज़ जो है, जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो एक थ्योरी है, तो उस पर हम लोग यकीन कर सकते हैं. ऐसा क्यों है? तो हम एक्सप्लेन करना है कि थ्योरी पे एतमाद करना फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इम्पोर्टेंस रखता है इस बात का, कि वो क्यों हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं अगर हम कहें कि ये स्टेटमेंट जो है थ्योरी है. Scientific theories are well tested and highly reliable scientific explanations of natural phenomena because they are formed by unifying many repeated observations and data collected from lots of experiments. For example, theory of evolution. यानी कि जो theories होती हैं वो reliable इसलिए होती हैं क्योंकि उनको तैयार करने के लिए, उनको proof करने के लिए काफ़ी सारे observations किए जाते हैं और बहुत सारे रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस होते हैं. बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रिपीट किए जाते हैं, बार बार डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से ऑब्जर्व किया जाता है उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, और फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके उसमें से डेटा मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग फिर थ्योरी तैयार करते हैं. यानी कि एक थ्योरी को, एक स्टेटमेंट को थ्योरी बनाने के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ करना पड़ता है, फिर जाके एक स्टेटमेंट जो है वो थ्योरी बन सकता है. इसी वजह से थ्योरी को हम लोग काफ़ी रिलायबल एक्सप्लेनेशन कंसिडर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई बायोलॉजिकल साइंसेस नीड मैथमेटिकल मॉडल्स. यानी कि बायोलॉजिकल साइंस में, यानी सपोज बायोलॉजी हो गया या बॉटनी हो गया, जूलॉजी, या जितने भी बायोलॉजिकल साइंसेस हैं उनके अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स की क्या ज़रूरत होती है. मैथमेटिकल मॉडल्स मतलब ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं या मैथमेटिक्स के फॉर्मूला हो गए, तो उसका जो है साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में क्या उसका इस्तेमाल होता है, उसकी क्यों हमें इंपॉर्टेंस होती है. Mathematical models in biological sciences help predict and describe natural occurrences such as organisms' behavior, patterns, population changes over time, structure of protein, height of living organisms, population of an endangered species, bacterial growth, and so on. Mathematical models से हम लोग काफ़ी हद तक predict कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से future बता सकते हैं kind of, कि किसी भी चीज़ की जो है लाइक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर पैटर्न कैसा है. यानी हम एक लाइक एक एनिमल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जो है अब लाइक सपोज एक माउस के सामने जब चीज़ रख रहे हैं हम लोग, पनीर रख रहे हैं, तो वो जो माउस है, वो जो चूहा है, वो जो है उस पनीर की तरफ चला जा रहा है. इसी तरीके से अगर हम उससे दूर भी रख रहे हैं तो भी माउस जो है पनीर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो उसको बार बार ऑब्जर्व जब करते हैं तो हम ये प्रिडिक्शंस जो होते हैं ये हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर लाइक ग्राफ्स के थ्रू जो है वो डाल देते हैं. इसी तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन चेंजेस कितनी आ रही है, इस तरह से किसी इंसान के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, इंसानों के जो है लाइक किसी फैमिली के अंदर हाइट की क्या रेंज आ रही है हमारे पास, इस तरीके से, और जो है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं स्पीशीज, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, वो कहाँ पे ज़्यादा बेहतर ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी लाइफ जो है ज़्यादा सेफ है, और बैक्टीरिया का ग्रोथ किस तरीके से, ताकि उसके हिसाब से जो है मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह तैयार किया जा सके. तो यही सारी चीज़ें जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हम लोग उसको जो है मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर उसको इनपुट कर देते हैं. दैट कैन बी इन अ डेटा फॉर्म, दैट कैन बी इन अ ग्राफ फॉर्म. हम लोग कोई जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उसको शो करने के लिए कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है. तो यानी इस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इसको क्या करता है कि हम लोग मैथमेटिकली बता देते हैं कि लेट्स सपोज बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लेते हैं. बैक्टीरिया का अगर 2 मिनट के बाद जो है वो डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहा है, तो हम लोग पता चल जाएगा कि ये बीमारी जो है इतने दिनों के बाद, इतनी देर के बाद बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. इसी तरीके से जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि जो है एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो जो है यहाँ इस मुल्क के अंदर, किसी एक मुल्क के अंदर बहुत सा, इस एक साल में तकरीबन लाइक 5, 10, 15 जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो मार दिए जाते हैं, तो हम लोग पता चल जाएगा कि कितने सालों के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो यानी कि इस टाइप की स्टडीज़ को जब हम लोग ग्राफ के अंदर डालते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो हम लोग का अंदाज़ा हो जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा. तो इस तरह से कि इसी वजह से हम लोगों को बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स की जरूरत होती है, बिकॉज दे हेल्प प्रिडिक्ट एंड डिस्क्राइब नेचुरल अकरेंस. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ चार्ट शोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड्स.
ओके तो आप लोगों को एक चार्ट शो करना है, ड्रॉ करना है, जिसमें बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स बताए गए हैं। ये वाला चार्ट आप लोगों को अपने बुक में पेज नंबर 19 मिलेगा, बायोलॉजिकल मेथड, उसके नीचे ये वाला चार्ट आपके पास बना हुआ है, इसी चीज़ को ड्रॉ करना है। बताना है कि पहले हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं या उसके बारे में पहले से क्या मालूम है उसको पूरा हम लोग डेटा बनाते हैं उसका। लाइक लेट्स सपोज मलेरिया के बारे में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले उन्होंने फाइंड किया कि उन्होंने बताया कि जो मलेरिया की बीमारी हो रही है ये मार्शी एरियाज में हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके हिसाब से फिर हाइपोथेसिस बनाया, क्या हाइपोथेसिस बनाया कि मार्शी एरिया में ही सिर्फ मलेरिया होता है। सो हाइपोथेसिस ये बनाया कि जो है मार्शी एरिया के हवा जो होती है उसके वजह से मलेरिया होता है, और उन्होंने एक और हाइपोथेसिस बनाया कि मार्शी एरिया के पानी पीने से जो है वो मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो यानी जो हम लोगों के पास पहले से इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो हमने ऑब्जर्व किया था एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके थ्रू आप लोग हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। फिर हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दो टाइप के रीजनिंग होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है। लाइक सपोज अगर हम कह देते हैं कि अगर इंसान सेल से बना हुआ है तो तमाम ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होंगे, तमाम जानवर सेल के बने हुए होंगे, तो आपने पहले एक स्पेसिफिक जानवर का नाम ले लिया, उसके बाद आपने जाके तमाम स्पीशीज को इसमें इंक्लूड कर दिया। डिडक्टिव इसका ऑपोजिट होता है, इसमें हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक चले जाते हैं। इसमें हम कहते हैं कि अगर तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं, तमाम जानदार जो है सेल से बने हुए हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्जी, सब के सब सेल से बने हुए होंगे, तो यानी हम लोग जनरल से स्पेसिफिक में चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट में ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटेशन में जो भी हमारा आता है ऑब्जर्वेशन जो करते हैं उसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा कलेक्शन में क्या होता है, हम लोग उसको डेटा फॉर्म में लिख लेते हैं, लाइक सपोज टेबलेट टेबलेट कर लेते हैं, टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, ग्राफ्स में डाल लेते हैं उसको, ठीक है, एनालाइज कर लेते हैं उसको। अगर अगर जो डेटा हमने जो कलेक्ट किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है, अगर वो के प्रूव कर रहा है जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस किया है, तो वो डेटा आपका थ्योरी बन जाएगा, वो जो आपका हाइपोथेसिस था वो थ्योरी बन जाएगा, ठीक है। यानी लेट्स सपोज जो इन्होंने क्या किया था मलेरिया वाले केस में, कि उन्होंने मार्शी एरियाज के वाटर जो है कुछ लोगों को पिला दिया और कुछ लोगों को साफ पानी पिलाया, तो क्या हुआ कि दोनों केसेस में किसी को भी मलेरिया नहीं हुआ। तो इसमें क्या कि डेटा जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो एक और एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ लोगों को उन्होंने जो है मार्शी एरियाज में उन्होंने रहने को दे दिया और कुछ लोगों को दूसरी जगह पे रहने को दिया, तो वहाँ पे जो मार्शी एरियाज में रह रहे थे उनको उनको जो है मलेरिया हो रहा था, तो ये वाला डेटा जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा था, तो ये चीज़ थ्योरी बन गई। और अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा कोई डेटा, अगर डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसको हम लोग वापस न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। तो न्यू हाइपोथेसिस क्या बना था कि हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया फैलाता है, जिसको बाद में पता चला कि प्लाज्मोडियम जो कि एक फीमेल मच्छर में होता है, एनोफिलिस में होता है, वो जो है मलेरिया को फैलाता है, ये हाइपोथेसिस किया गया। फिर उसको एक पूरा एक्सप्लेन पूरा एक्सपेरिमेंटेशन की गई और पता चला कि हाँ प्लाज्मोडियम ही है द एक्चुअल कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये पूरा आपका पेज नंबर 19 बुक में मौजूद है, आप वहाँ से जाके ड्रॉ कर सकते हैं। सिस्टम थोड़ा क्लीनली ड्रॉ कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई टेबल और ग्राफ इज नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए व्हाई डू वी नीड टेबल और ग्राफ। A table or graph is necessary for data organization because it helps keep information organized and is used to organize information to show patterns and relationships. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ग्राफ या डेटा जो क्या होता है, data organization जो डेटा हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो हम लोगों को मिलता है उसको एक ऑर्गेनाइज शक्ल देता है उसको, ठीक है। उसमें ऑर्गेनाइज शक्ल का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आप टाइम टेबल ले लेते हैं, आप लोग जो टाइम टेबल देखते हैं अपने जो आप लोगों को मिलता है क्लासेस में, वो आपको टेबलेट फॉर्म में मिलता है, टेबल के फॉर्म में मिलता है। डेट मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे पूरे डेज लिखे हुए होते हैं, फिर डेज के हिसाब से उनको 1, 2, 3 फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इस तरह से पीरियड वाइज लिखे हुए होते हैं, ये आपको हो गया टेबल फॉर्म में। अगर लेट्स सपोज इसी चीज़ को टाइम टेबल को हम सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे, दैट ऑन मंडे द फर्स्ट पीरियड इज दिस, ऑन ट्यूजडे सेकंड पीरियड इज दिस, यानी पूरा यानी सेंटेंस फॉर्म में अगर आप लिख देंगे तो उस वक्त आपको जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए कि वेनिजे के फिफ्थ पीरियड में कौन सा पीरियड है आपकी क्लास में। जबकि अगर आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग डायरेक्टली पहले वेनिजे में जाएंगे, वेनिजे में थर्ड पीरियड में जाएंगे, आपको पता चलेगा थर्ड पीरियड किसका है। लेकिन अगर सेंटेंसेस फॉर्म में लिखेंगे, जुमले के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको पूरा पूरा पैराग्राफ या पूरा पूरा ऐसे कह सकते हैं ऑफकोर्स, वो आपको रीड करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वेनिजे कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वेनिजे पर आपको थर्ड लाइन में मिल जाएगा कि थर्ड सेंटेंस में मिल जाएगा कि थर्ड सेंटेंस के थर्ड पीरियड क्या होगा उसमें। इसी वजह से एक डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में ताकि आसानी से हमें आंसर मिल सके, वो हम लोग जो है उसके उसी पर्पस के लिए हम लोग डेटा टेबल एंड ग्राफ तैयार करते हैं।
They allow the scientists to get a visual image of the observation, which simplifies interpretation and drawing conclusions. इससे क्या होता है कि observation का एक visual, एक image उनके scientists के दिमाग में बैठ जाता है, which show, which simplifies interpretation, यानी उनको समझ में आ जाता है आसानी से कि जिन्होंने experiment किया था, या let's suppose उनसे पहले जिन लोगों ने experiment किया था, उनका क्या result आया. ठीक है, let's suppose अगर मैं आपको जबानी बताऊँ कि या लिखने में कह दूँ कि अगर आप जो हैं 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर को करेंगे, आप उबाल हीट करेंगे तो वो उबलना शुरू हो जाएगा. अगर आप 99 में करेंगे तो नहीं उबलेगा, 98 में करेंगे नहीं उबलेगा. इस तरह सेंटेंस फॉर्म पूरा बता दूं कि कौन से टेम्परेचर में उबलेगा, कौन से टेम्परेचर में नहीं उबलेगा. जबकि मैं सिंपली जो है एक टेबल बना दूँ, ऊपर से जो है मैंने जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर लिख दिया और नीचे से येस और नो लिख दिया कि वो उबल रहा है या नहीं उबल रहा है, येस और नो, तो आपको डायरेक्टली आपको टेबल रीड करने में आसानी होगी कि टेबल टेबलेट फॉर्म में आपका साइंस पता चल जाएगा. बस चले आएंगे टेम्परेचर और चेक कर लेंगे नीचे कि येस लिखा हुआ है या नो लिखा हुआ है, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि वो पानी उबलता है या नहीं उबलता है उस टेम्परेचर में. इसी ऐसे पर्पस क्या है टेबल ग्राफ का, कि वो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, वो हमारे डेटा को एक आसान, ताकि मैं आसानी से पता चल जाए कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका रिजल्ट क्या निकला था. तो उस रिजल्ट को आसानी से रीड करने के लिए और आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को, ये तो यानी बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को समझना. तो उसको अच्छी तरह समझना कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था हमसे पहले उसका रिजल्ट क्या निकला और उसके हिसाब से हमें क्या मतलब लाइक क्या मेन पर्पस था उस एक्सपेरिमेंट का और रिजल्ट क्या था, तो वो आइडिया हमें मिल जाता है आसानी से. लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर इज व्हाई एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी फॉर थ्योरी. थ्योरी तैयार करने के लिए एक्सपेरिमेंट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सपेरिमेंट के बगैर हम थ्योरी क्यों नहीं कंसीडर करते. एक्सपेरिमेंट्स कैन प्रोवाइड हिंट्स टुवर्ड्स अ स्ट्रक्चर और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अ थ्योरी एंड इट कैन प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन आवर थ्योरीज. एक्सपेरिमेंट्स में ये होता है कि आप लोगों को एक हिंट मिल जाती है या उसमें मिल जाता है कि आपने जो हाइपोथेसिस तैयार किया था कि वो सही है या गलत, अगर गलत है तो किस वजह से गलत है. यानी कि लेट्स सपोज जो है आपने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, किस वजह से. लेट्स सपोज लेते हैं लाइक कोविड की एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोविड का सबसे पहले हाइपोथेसिस जो आया था वो आया था कि जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, वो बैट्स के थ्रू, चमगादड़ के थ्रू जो है वो फैलता है, यानी जो लोग बैट्स को खाते हैं उनको ही कोविड या कोरोना वायरस होता है. ठीक है, पहले ये हाइपोथेसिस काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल था, लेकिन फिर क्या हुआ कि ऐसा ऐसा ही पूरी दुनिया में फैलने लगा और उन इलाकों में फैलने लगा जहाँ पे बैट्स नहीं खाए थे. तो इस वजह से पता चल गया कि हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू के बैट्स से, बैट का कोरोना वायरस से या कोविड से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक्सपेरिमेंट्स हमें बता देता है कि कोई भी हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. ठीक है, तो यानी अभी जो हाइपोथेसिस का ये हुआ है तो उसमें ये पता चला है कि फ्लू का ही ये ज़्यादा इवॉल्व फॉर्म है. जो फ्लू हम लोगों को होता है, नज़ल जुकाम जो होता है, उसी को इवॉल्व वायरस इवॉल्व हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है अपना एहतियात नहीं करते, तो उसकी वजह से वही वायरस जो सिंपल एक नज़ल जुकाम का वायरस था वही ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करता है और वो खुद कोविड में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, तो इस तरह से. और इसके अलावा थ्योरी हमें ये बताता है कि हम लोगों ने जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटिटीज रखे हैं, जो पॉइंट्स हम लोगों ने उठाए हुए हैं, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता. ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एटॉमिक थ्योरी ले लेते हैं. एटॉमिक थ्योरी में पहले सबसे पहले ये कहा था कि सबसे छोटा जो एंटिटी है, छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है. फिर एक्सपेरिमेंटेशन से पता चला नहीं एटम को भी तोड़ा जा सकता है और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मिला. तो यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन है. फिर और ज़्यादा डिटेल में लोग गए तो पता चला कि जो है इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट करता है और वो घूमता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा है जो बहुत भारी है और वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो उस पार्टिकल को पॉजिटिव यानी प्रोटॉन का नाम दिया गया. फिर इसके बाद और भी ज़्यादा डिस्कवरी हुई तो पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रल चार्ज होता है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दूर रखता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो अगर एक न्यूट्रल पार्टिकल बीच में नहीं होगा जो दोनों को दूर रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अपोजिट चार्जेस अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कोलाइड करेंगे और एक धमाका हो जाएगा, तो वो जितने भी मैटर है वो सब के सब उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी. लेकिन ऐसा कोई भी मैटर नहीं था जो खुद ब खुद गायब हो जाए, तो उनको भी फिर इनको अंदाज़ा हुआ कि एक्सपेरिमेंटेशन से पता चला कि हाँ, एक न्यूट्रल पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दूर रखता है ताकि वो आपस में अट्रैक्ट ना करें. ठीक है, तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं वो थ्योरी को प्रूव कर रहा होता है या डिसप्रूव कर रहा होता है. लाइक एटॉमिक थ्योरी पहले उनको प्रूव किया, फिर बाद में जब और ज़्यादा जब क्या कहते हैं
साइंस ने इवॉल्व हुआ, ज़्यादा तरक्की की उन्होंने साइंस में, तो उस पता चला कि नहीं, एटम भी को भी तोड़ा जा सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर और भी जब एडवांसमेंट हुई तो उसके बाद पता चला कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। फिर और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई तो पता चला कि न्यूट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उस एडवांसमेंट की वजह से, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से, हमें पता चला कि एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री मेन सब पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी वजह से एक्सपेरिमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, कि वो थ्योरी को एक तो हिंट प्रोवाइड करता है कि जो थ्योरी जो है वो सही है या गलत, सेकेंडली वो ये बताता है कि जो हम लोगों ने थ्योरी के अंदर एंटिटीज को एग्जिस्टेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसकी एविडेंस, उसके प्रूफ हैं या नहीं। ओके, तो ये आप लोगों के 5 शॉर्ट आंसर्स हैं। मेक श्योर टू राइट इट नीटली ऑन योर कॉपी। ओके, अल्लाह हाफिज़।